वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और फिर वेरीफाई भी करना है। इक्वेशन में वेरिएबल देख लो तो x है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन का काम करेंगे। तो क्या करेंगे, 2x यहीं पर रहने देंगे, वो इसलिए कि x जो वेरिएबल है उसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है। और जो ये हमारे पास है 14, इसको यहीं पर रहने देंगे। ये जो प्लस 2 है वो भी यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव 2 हो जाएगा। 14 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर 2x है और हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 का 12 यहीं पर रहेगा, 2 यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2 को 12 से डिवाइड या 12 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, या तो कटिंग कर दो या तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो 6 ही आना है दोनों केस में। x की वैल्यू 6 आई है, अब हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में। x इक्वल टू 6 है ना, जहाँ x होगा वहाँ पर आपने 6 पुट कर देना, 2 का 2 आ जाएगा, x की जगह 6 पुट कर दो, प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख दो, इक्वल टू क्या आ गया, 14 आ गया। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 12 आ जाएगा, प्लस 2 आ गया, इक्वल टू 14 आ गया। 12 में 2 को प्लस कर दो तो 14 आ जाएगा, इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, इसका क्या मीन है, जो हमारे पास ये आया आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, क्योंकि हमने इसको पुट किया चेक करने के लिए इसमें। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया, पहले हमने वैल्यू फाइंड की वेरिएबल की, फिर हमने उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दिया और वेरीफाई कर लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो हमने इसको वेरीफाई करना होता है, ये आंसर हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू है वो करेक्ट आई है कि नहीं है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।